दोस्तों, मैं हूं अंकित अग्रवाल और स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी आईक्यू पर। तो दोस्तों, क्या हमारे विश्व को, वर्ल्ड को एक नया कंट्री मिलने वाला है, एक नया देश मिलने वाला है? अभी के हिसाब से अगर आप यूएन के लिस्ट में देखेंगे तो करीब 193 कंट्रीज रिप्रेजेंट की जाती हैं, लेकिन यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी, आपने इसका नाम सुना होगा, तो यहाँ पर उसका एक आइलैंड है जिसको हम कहते हैं बॉगनविल। इसको आप बॉगनविला के नाम से भी कह सकते हैं क्योंकि वहाँ के रीजन में एक फ्लावर पाया जाता है जिसको बॉगनविला भी कहते हैं, तो यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन बॉगनविल है एक तरह से। तो क्या यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी से ये देश आज़ाद होने जा रहा है और ये हमारे विश्व का 194th कंट्री बनेगा? तो इस पूरे वीडियो में इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में चर्चा करें और यहां पर हर पहलू को हम जानने की कोशिश करेंगे, तो ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज मी अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको मेरे फेसबुक पेज पर मिल जाएगी। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं दोस्तों। तो यहां पर साउथ पैसिफिक आइलैंड है एक जिसका नाम है बॉगनविल, दैट हैज overwhelmingly voted to be independent from Papua New Guinea। ये आप न्यूज़ में देख सकते हैं कि पापुआ न्यू गिनी से यहाँ पर एक रेफरेंडम कराया गया था इस पर्टिकुलर आइलैंड पर। तो इस पर्टिकुलर आइलैंड के लोगों ने इस रेफरेंडम के समर्थन में वोट किया है, मतलब कि वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके लोकेशन के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पैसिफिक ओशन में पापुआ न्यू गिनी, आपको ध्यान रखना है कि जो लेफ्ट साइड में है ये पर्टिकुलरली इंडोनेशिया का पार्ट है, एक तरह का प्रोविंस है पापुआ, और जो अदर हाफ आप देख रहे हैं ये आपका एक अलग से कंट्री है पापुआ न्यू गिनी। और यहां पर उसके राइट साइड में देखेंगे तो एक पर्टिकुलर आइलैंड दिखेगा जिसका नाम है बॉगनविल। इसको और अच्छे से इसकी लोकेशन समझने के लिए दोस्तों, यहाँ पर हम चलते हैं अपने मैप पर। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा भारत, इसके राइट साइड में अगर आप जाएंगे म्यांमार, थाईलैंड, ये जो जितने भी साउथ ईस्ट कंट्रीज़ हैं, और यहाँ पर आप पहुँचेंगे पापुआ न्यू गिनी। बेसिकली ये आपको ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न साइड में मिलेगा। तो इसके जो राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जो कि है बॉगनविल, ये एक छोटा सा आइलैंड है और ये बेसिकली आता है आपका सोलोमन आइलैंड्स के आर्किपेलागो में। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सोलोमन आइलैंड भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा, और उसके जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड है ये आप बॉगनविल देख सकते हैं। अब क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम पापुआ न्यू गिनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके कंट्री के बारे में जानना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। तो यहाँ पर इसका जो फ्लैग है और इसका जो नेशनल एम्ब्लम है, इससे आप देखकर कुछ पता लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये ज़्यादातर ट्राइबल जो पीपल रहते हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं, वो ज़्यादातर ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं। इसका मोटो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और इसका कैपिटल आपको पोर्ट मोरसिबी में मिलेगा। और साथ में आपको पता होना चाहिए ये एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अगर मैं आपको इसके इंडिपेंडेंस के बारे में बात करूं, तो अल्टीमेटली इसको इंडिपेंडेंट मिला था 1975 में, बेसिकली ऑस्ट्रेलिया से आप देख सकते हैं इसको इंडिपेंडेंस मिला था। इसकी पॉपुलेशन 2016 के सेंसस के हिसाब से करीब 80 लाख से भी ज़्यादा है। अगर हम GDP की बात करें तो यहाँ पर उसके आंकड़े आप देख सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी होता है कि जो GDP पर कैपिटा है, जो कि एक सही पिक्चर करता है किसी भी देश का, तो आप देख सकते हैं ये है आपका करीब $2,500 GDP पर कैपिटा, जो कि आपको पता है इंडिया से भी कहीं ज्यादा है। और अगर हम इसके गिनी कोफिशिएंट की बात करें, तो गिनी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है इनइक्वालिटी को, तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 41.9 है, जो कि मीडियम कैटेगरी में आता है। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो इसका नंबर है 156, जो कि सबसे लोएस्ट है। इसकी करेंसी आपको किना कही जाती है, बेसिकली पापुआ न्यू गिनी किना, PGK। साथ में दोस्तों यहां पर बॉगनविल आइलैंड जो है, जो कि पापुआ न्यू गिनी का एक ऑटोनॉमस रीजन है, बेसिकली यहां पर काफी सारी स्वायत्ता दी रखी है बॉगनविल आइलैंड को पापुआ न्यू गिनी के द्वारा। तो इसका जो पर्टिकुलर लोकेशन आपको मेलेनेशिया में मिलेगा, तो आपको यहां पता होना चाहिए ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेलेनेशिया है क्या। तो बेसिकली ये जो पूरा मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, ये आता है आपका पूरा पार्ट पैसिफिक ओशियन का। तो जैसा कि आप सबसे पहले देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो पूरा पार्ट है इसको ऑस्ट्रेलेशिया कहते हैं, उसके जो
नॉर्थन साइड में आपको मेलेनेशिया दिखेगा, जहां पर पापुआ न्यू गिनी और कुछ पार्ट आपको इंडोनेशिया के भी मिलेंगे, साथ में सोलोमन आइलैंड का भी बेसिकली ये पार्ट है, और यहां पर माइक्रोनेशिया आपको सबसे ऊपर मिलेगा, और राइट साइड में आपको पता है पॉलिनेशिया, जो कि आपको एक चीज पता होना चाहिए हवाई जो है जो कि यूएसए का एक पार्ट है, ये भी पॉलिनेशिया में आता है। तो यहां पर जो आपका बोगनवील है ये एक मेलेनेशिया का पार्ट है, इसका हाईएस्ट पॉइंट आपको माउंट बेल्बी में मिलेगा, मतलब कि अगर आपको एग्जाम में आता है माउंट बेल्बी कहाँ है तो ये आपको पता होना चाहिए, और ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि जो भी कंट्री इस समय न्यूज़ में है, कोई रीजन न्यूज़ में है, वहाँ से इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये स्पेसिफिकली जो है आपको ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। इसकी पॉपुलेशन करीब 2,34,000 है, मैंने आपको क्या बताया था पापुआ न्यू गिनी की कितनी है 80 लाख से भी ज़्यादा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर आइलैंड की पॉपुलेशन काफी कम है, ओनली 2,34,000। अब यहां पर इसका जो पूरा रेफरेंडम हुआ है दोस्तों, इसके पहले हम समझ लेते हैं कि ये आखिरकार ऑटोनॉमस रीजन क्यों है। तो ये बेसिकली लाई करता है इसके हिस्ट्री में, इसकी हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। तो यहां पर जो आइलैंड है ये इनहेबिट किया जाता है वहां के जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन है, वहां पे करीब 2,500 साल से लगातार रह रहे वहां के खुद के जो निवासी हैं वो उस पर्टिकुलर आइलैंड पे रह रहे हैं, और जिसकी वजह से इनका जो पूरा कल्चर है वो पापुआ न्यू गिनी से काफी ज्यादा डिफरेंट है, और वो कई बार अपने आप को जो सोलोमन आइलैंड जो कि अपने आप में एक अलग देश है उससे काफी ज्यादा रेफर करते हैं। यहां पर जो उसका नाम है बोगनवील, ये आता है आपका फ्रेंच कॉलोनाइजर, बेसिकली आपको पता है कि फ्रांस भी एक बहुत बड़ा कॉलोनियल कंट्री हुआ करता था, वो अपने अलग अलग रीजन्स में देश बना रखे थे, तो यहां पर जो फ्रेंच के कॉलोनाइजर हैं लुई एंटनी दे बोगनवील, इनके नाम से बेसिकली आता है ये पर्टिकुलर कंट्री, और यहाँ पर कई बार ये भी कहा जाता है कि ये पर्टिकुलर जो पर्सन है लुई एंटनी, ये यहाँ पर इस पे आइलैंड पे आए भी नहीं थे, बस वहाँ से पास किए थे, बट फिर भी ये पर्टिकुलर आइलैंड जो है इनके नाम पर रख दिया गया था। आगे चलकर 1885 में ये जो बोगनवील आइलैंड है ये डायरेक्टली आ गया आपके जर्मन प्रोटेक्टोरेट के, और इसको बोला जाता था उस समय जर्मन न्यू गिनी, और यहाँ पर आगे चलकर वर्ल्ड वॉर वन के टाइम आपको पता है कि जर्मन को काफ़ी बड़ी शिकस्त मिलती है, काफ़ी बड़ी हार मिलती है, जिसकी वजह से 1914 के बाद से जो पूरा कंट्रोल है बोगनवील आइलैंड का ये आ जाता है ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस के पास, और आगे चलकर आपको पता है कि जापान भी काफ़ी तेजी से फैलता रहा। आपको पता होना चाहिए अगर आपने इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ी होगी तो यहाँ पर जो साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं वहाँ पर जापान का काफ़ी बड़ा रोल था, इसको देखते हुए वहाँ पर जो बोगनवील आइलैंड है वहाँ पर भी जापान ने काफ़ी ज्यादा अपने फोर्सेस को भेज रखा था, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के बाद आपको पता है जापान भी काफी बुरी तरह हारता है, जिसकी वजह से वो अपने फोर्सेस को विड्रॉ कर लेता है, और यहां पर जो कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन है वो आ जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया के पास, और यहां पर 1975 तक पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया अपना जो दबदबा है वो बोगनवील पर बनाए रहता है, बस थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी दी जाती है, लेकिन 1975 में यहां पर जो पापुआ न्यू गिनी है इसको इंडिपेंडेंस मिल जाता है, साथ में जो पापुआ न्यू गिनी के साथ जो बोगनवील आइलैंड है इसको एक ऑटोनॉमस रीजन बना दिया जाता है पापुआ न्यू गिनी का। तो यहाँ के जो लोग हैं बोगनवील के ये काफ़ी ज़्यादा ट्राई करते रहे हैं कि पापुआ न्यू गिनी से इनको इंडिपेंडेंस मिल जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले जब 1975 में पीएनजी को इंडिपेंडेंस मिली थी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया, अगेन 1990 में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमें वॉर देखने को मिलता है उस पर्टिकुलर रीजन में, लेकिन फिर भी इनको इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाती है। लेकिन 1970s के समय ही यहाँ पर एक सिस्टम बनाया जाता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का बोगनवील में, एक तरह का डिसेंट्रलाइज सिस्टम बनाया जाता है ताकि यहां पर उनको काफी ज्यादा ऑटोनॉमी दी जा सके, और 1997-98 के समय काफी ज्यादा जब मृत्यु हो जाती है लोगों की, लेट मी टेल यू करीब जो 10% पॉपुलेशन है बोगनवील की 1997-98 में यहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है, इसको आगे देखते हुए 2000-2001 में यहां पर एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसका नाम है बोगनवील पीस एग्रीमेंट, जिसके तहत यहां पर कई सारे चीजों के बारे में कहा जाता है। तो यहां पर एक टाइमलाइन
देख लेते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले 1975 में ये जो बॉगनवील है ये पीएनजी पपुआ न्यू गिनी का एक प्रोविंस बन जाता है, इंडिपेंडेंट प्रोविंस बन जाता है, ऑटोनॉमस दी जाती है इसको काफ़ी ज़्यादा। लेकिन 1988 के बाद से सेपरेटिस्ट के द्वारा काफ़ी बड़ी वॉर देखी जाती है अगले 10 सालों तक, और 1997 में फाइनली इंटरनेशनल मीडिएशन किया जाता है ताकि इस पूरे वॉर को रोका जा सके। और इस पर्टिकुलर मीडिएशन के बाद से 2000-2001 में जैसा मैंने बताया एक पीस एग्रीमेंट साइन किया जाता है, और इस पीस एग्रीमेंट में ये बोला जाता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि इस एग्रीमेंट में ये कहा जाता है कि 2020 तक एक डेडलाइन बनाई जाएगी, मतलब 2020 के पहले एक रेफरेंडम कराया जाएगा पपुआ न्यू गिनी के द्वारा, ताकि यहां पे जो बॉगनवील में रह रहे लोग हैं क्या वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं इस पे तय हो सके। और इसी की वजह से आप देख सकते हैं कि 2019 में यहां पर एक रेफरेंडम हुआ है जहां पर बहुत ही कंप्लीट तरीके से मैं कह सकता हूं यहां पर उन्होंने समर्थन दिया है, और इसीलिए यहां पर आपको पता होगा कि ये क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का पार्ट था तो इस पर्टिकुलर पीस एग्रीमेंट में ऑस्ट्रेलिया ने भी काफी बड़ी भूमिका निभाई थी। अब यहाँ पे काफ़ी बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है दोस्तों कि आखिरकार ये जो बॉगनवेल कंट्री है ये क्यों इंडिपेंडेंस चाहता है पपुआ न्यू गिनी से, क्यों नहीं उनके साथ रह ले सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पूरे विश्व में कहीं भी अगर आप देखेंगे, स्पेशली अगर रिसेंट का आप एग्जाम्पल लीजिए स्पेन में, तो वहाँ पर आपको एक रीजन मिलेगा कैटालोनिया। आपको पता है कि यहाँ पर वहाँ के जो लोग हैं कैटालोनिया के वो स्पेन से इंडिपेंडेंस चाह रहे हैं, और इवन 2017 में भी खुद से उन्होंने अपने आप को स्पेन से अलग करने की बात कही। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर आपको जो बॉगनवील आइलैंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर अत्याचार हुआ है एक तरह से आप कह सकते हैं पपुआ न्यू गिनी के द्वारा, मतलब कि बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स पाए जाते थे। स्पेशली अगर मैं आपसे बात करूँ कि वहाँ पर लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आपको कॉपर मिलेंगे, तो स्पेशली अगर आप देखेंगे तो वहां का जो एक्सपोर्ट है वहां पर 50% कंट्रीब्यूशन जो है स्पेशली कॉपर के थ्रू आता है। तो इसी की वजह से यहां पर पपुआ न्यू गिनी के बाकी सारे रीजन्स ने काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है उस पर्टिकुलर बॉगनवील आइलैंड को, वहां से माइनिंग करवाई गई है। लेकिन जो डेवलपमेंट की बात है वहां पर जो भी पैसे ग्रांट करने की बात है वो नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से वहां पर लोग काफी ज्यादा नाराज हैं। और इसी से रिलेटेड दोस्तों मैंने एक टॉपिक भी बनाया था, आपको पता होगा कुछ टाइम पहले कि वर्ल्ड की बिगेस्ट डायमंड माइन दैट इज अगाइल माइन वो क्लोज होने जा रही है ऑस्ट्रेलिया में। ये आपने वीडियो नहीं देखा है तो यहां देखिएगा। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने बताया था कि इसको कंट्रोल किया जा रहा था रियो टिंटो ग्रुप के द्वारा। तो पर्टिकुलरली मैं बता दूं कि यहां पर जो बॉगनवील आइलैंड पे जो कॉपर की पूरी माइनिंग की जा रही थी उसका भी करीब 56% हिस्सा जो है रियो टिंटो ग्रुप जो है उनके द्वारा लिया जा रहा था, और जो बाकी का करीब 20% जो इसका हिस्सा है वो पपुआ न्यू गिनी के गवर्नमेंट के पास था। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पे बाहर से भी कई सारी कंपनियों ने काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है। इसी की वजह से वहां के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा डिससैटिस्फाइड हैं कि जो भी एग्रीमेंट साइन किया गया था 2001 के द्वारा और वहां पर काफी सारा फाइनेंशियल ग्रांट्स देने की बात कही गई थी वो ग्रांट्स अभी तक नहीं मिला है बॉगनवील को, जिसकी वजह से वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते हैं नेशनल गवर्नमेंट से, मतलब कि जो पपुआ न्यू गिनी की जो नेशनल गवर्नमेंट है उनसे ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते हैं। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप देखेंगे तो बॉगनवील आइलैंड पे काफ़ी ज़्यादा एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस भी हुए हैं बिकॉज ऑफ माइनिंग, लार्ज स्केल में माइनिंग हुई है। और यहाँ पर जो बॉगनवील आइलैंड के जो निवासी हैं वहाँ पे जो वाटर है लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हुआ है, वहाँ पे जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी रेज किया। और जैसा कि आप यहाँ नीचे पिक्चर्स में देख सकते हैं आउट विद द डेविल, और राइट साइड में ये जो है आउट विद बी सी एल, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है बॉगनवील कॉपर लिमिटेड, ये कंपनी है बेसिकली जो कि माइनिंग करती है, तो यहाँ पर उसके खिलाफ भी काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन हुए हैं। अब हम आते हैं दोस्तों कि जो रीसेंट का रेफरेंडम हुआ है इसका रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो करीब 98% वहाँ के जो वोटर्स हैं, अगर संख्या में देखें तो 1,76,000 पीपल ने यहाँ पर यस में, मतलब कि उन्होंने इंडिपेंडेंस को बैक किया है और वो चाहते हैं कि वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस पाएं, लेकिन ओनली 3,000 लोगों ने ही इसके अगेंस्ट में वोट किया है और वो चाहते हैं यहाँ पर थोड़ी और ऑटोनॉमी दी जाए और वो पपुआ न्यू गिनी का ही पार्ट बने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 98% काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों ने यस में समर्थन दिया है। तो क्या इससे हम तय कह सकते हैं कि ये हमारे विश्व का 194th
कंट्री बनेगा। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है दोस्तों कि ये जो इंडिपेंडेंस है वो इमीडिएट नहीं मिलने वाली है, अभी भी काफ़ी बड़ी पॉलिटिकल प्रोसेस रिलाई करती है, क्योंकि यहाँ पर जो पपुआ न्यू गिनी की पार्लियामेंट है उसको भी यहाँ पर रेटिफाई करना होगा। और आपको पता है कि किसी भी पार्लियामेंट में काफ़ी ज़्यादा अगर कोई देश से कोई हिस्सा अगर जाने जाता है, अगर आप इंडिया का एग्जाम्पल लीजिए तो काफ़ी बड़ी ऑपोजिशन आती है। तो अभी और देखना होगा कि क्या यहाँ पर जो ऑपोजिशन है जो पूरे पपुआ न्यू गिनी में फैल रखा है बॉगनविल आइलैंड को लेकर, क्या वो इसको जाने देते हैं कि नहीं जाने देते हैं। लेकिन क्योंकि विक्ट्री का जो मार्जिन है 98% वो काफ़ी बड़ा है, इसकी वजह से इस पूरे पीएनजी कंट्री पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा विश्व का कि ये अब उसको इंडिपेंडेंस दे दें। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये पपुआ न्यू गिनी के लिए काफ़ी बड़ा लॉस है? तो जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा मदद करता था पीएनजी को उसके डेवलपमेंट में, वो चला जाएगा अगर बॉगनविल पपुआ न्यू गिनी से अलग हो जाता है। साथ में यहाँ पर जो टेरिटोरियल इम्पैक्ट है वो भी काफ़ी बड़ा होने वाला है, आपको समझने की बात है। क्योंकि यहाँ पर अगर एक बार ये आइलैंड सेपरेट हो गया तो जैसा कि आपको पता है कि वहाँ की जो हिस्ट्री और डाइवर्सिटी है पूरे पपुआ न्यू गिनी की, ये काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। मतलब कि जिस तरह हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग मिलेंगे, वैसा ही आपको पीएनजी में भी मिलेंगे। तो इसकी वजह से हो सकता है इसका रिपरकशन अलग अलग रीजन्स में भी फैल जाए और बाकी लोग भी यहाँ पर इंडिपेंडेंस लेने की मांग कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों अपने लास्ट यहाँ पर एनालिसिस पर, जहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया, चाइना और जो बाकी के रीजन्स हैं पूरे विश्व में, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो इसका असर होगा इसकी इंडिपेंडेंस का वो सिर्फ उसके आसपास के देशों में ही होगा। यहां पर ऑस्ट्रेलिया, चाइना और यूएस भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और इसका मेन कारण ये है कि जो पैसिफिक रीजन है, एशिया पैसिफिक रीजन है, वहां पर जिस तरह से पावर शिफ्ट हो रही है, डिप्लोमेसी आ रही है, साथ में जो मिलिट्री का डेवलपमेंट हो रहा है लगातार, और जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट आए हैं जिस तरह से पिछले कुछ टाइम से, इसकी वजह से बाकी बड़े देश भी जो है यहां पर अपना काफी ज्यादा जो है इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और इसी को देखते हुए आप देखेंगे तो इवन चाइना ने भी जो है एक पोर्ट बनाने का निर्णय लिया है, इस पर काम भी स्टार्ट हो गया है बॉगनविल में। और इसी की वजह से जो काफ़ी सारे लोग हैं बॉगनविल में वो चाहते हैं कि वो चाइना के साथ ज़्यादा पार्टनरशिप करें। इसकी वजह से जो यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने भी काफ़ी सारी मदद देने की प्रयास की है। तो आप देख सकते हैं ये बॉगनविल है ये पूरे विश्व के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इसका इंडिपेंडेंस। तो आई होप कि इस पूरे वीडियो में आपको काफी सारी जानकारी मिली होगी। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच, और लगातार आप मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज में जाकर क्विजेस खेल सकते हैं। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच गाइज, सी यू सून।